ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बरगद पेड़, ये बड़ा सा दिख रहा होगा। इस बरगद पेड़ के नीचे बिरसा भगवान ने भी यहाँ पर शिक्षा दी। वेलकम है दोस्तों आप लोगों को लैला मजनू ब्लॉग चैनल में, और आज ये हम दोनों जा रहे हैं, इधर देख सकते हैं, आओ इधर, इलियास को ले जा रहे हैं स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले जा रहा हूँ, और आज एडमिशन करा देता हूँ, ये पढ़ेगा। इधर देखो, हाय कर दो, चलो। हाँ तो इसको ले जा रहा है, जहाँ से मैं पढ़ना शुरू किया था वही स्कूल पे मैं ले जा रहा हूँ, आरसी हाई स्कूल गौरबेड़ा ले जा रहा हूँ। मिडिल स्कूल भी है, तो मिडिल स्कूल में अभी इसका एडमिशन होगा। तो चलिए आप लोग को दिखाएंगे कि जहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू किया था वही स्कूल को आज मैं आप लोग को। बढ़िया भागा थीस। तो लीजिए दोस्तों, जहाँ से मैं पहला एजुकेशन ग्रहण किया था आप लोग देख सकते हैं, इधर एक झलक आप लोग को दिखाते हैं, तो मैं टीचिंग किया था तो देख सकते हैं सर, प्रणाम सर। तो ये है मेरा फर्स्ट स्कूल जहाँ से मैं एजुकेशन ग्रहण किया। अब उसके बाद चलिए आप लोग को दिखाएंगे आगे। ये जो मैं स्कूल है ये सरकारी स्कूल है। पढ़ने के बाद मैं चला गया आरसी हाई स्कूल गौरबेड़ा। तो चलिए वो स्कूल भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो वहाँ कैसा है। वहाँ भी दो स्कूल बन गया है, एक मिडिल स्कूल है और एक हाई स्कूल है। चलिए लीजिए दोस्तों, हम लोग गौरबेड़ा चौक पहुंच गए। जब हम लोग यहाँ पढ़ाई करते थे और जब 12 बजे का टिफिन होता था तो हम लोग यहीं आते थे टाइम स्पेंड करने के लिए, वही मस्ती करने के लिए यहीं आया करते थे। ये गौरबेड़ा चौक है। और लीजिए फाइनली पहुंच चुका है स्कूल, जो आरसी उच्च विद्यालय गौरबेड़ा लिखा हुआ पोस्टर में आप लोग देख सकते हैं, और इधर स्कूल भी है। अभी सिस्टर को पाएंगे कि नहीं खोजेंगे, पूरा सिस्टर को खोज लेते हैं और यहाँ पर एडमिशन दिलाना है। तो अभी क्लास सब चल रहा है इसलिए शायद मैं पूरा तो नहीं दिखाऊंगा, बाहर बाहर से मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। देख सकते हैं इधर हम लोग का गौरबेड़ा पारिश से, इसमें बाहर से मैं दिखा रहा हूँ, अभी अंदर नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि अभी काम है इधर भी स्कूल तरफ में, इसलिए सबसे पहले तो उधर ही जाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को मैं दिखाऊंगा। स्कूल तरफ काम है इसलिए स्कूल तरफ ही हम लोग जाएंगे और रजिस्टर को खोजेंगे जो एडमिशन मतलब कराने के लिए लाए हैं, तो जो नाम लिखती हैं उस सिस्टर को पूछना पड़ेगा। सकते हैं यहाँ पर अभी जहाँ से मैं
शिक्षा हासिल किया, शुरू किया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये स्कूल आरसी हाई स्कूल गौरबेड़ा है, आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पर बोर्ड भी आप लोग देख सकते हैं ऊपर, और ये इस प्रकार से स्कूल है। ये नया बिल्डिंग बना है, ये 3 to 10 क्लास तक है, और अभी क्लास चल रहा है इसलिए मैं क्लास वर्स जा करके आप लोग को नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम लोगों का जो बारिश का जो हम लोग का क्षेत्र का यही सबसे बड़ा स्कूल है, तो इसी पे मैं पढ़ाई किया हूँ और इसी पे मैं टीचिंग भी करता था, और अभी मैं टीचिंग नहीं छोड़ दिया हूँ और यूट्यूब पे अभी काम कर रहा हूँ। बस आप लोगों के सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो चैनल भी ग्रो होगा, और आप लोग को और आगे भी अपना लाइफ स्टाइल मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया, सारा चीज़ मैं आप लोगों को ब्लॉग वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा और आप लोग को बताने का कोशिश करूंगा। देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे उधर तो पूरा जंगल ही जंगल है। हेलो गाइस, हम लोग एडमिशन कराने के लिए आए थे मैथ्स का, और एडमिशन हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे इसका स्कूल जहाँ ये पढ़ेगा वह स्कूल दिखा देते हैं इसको, और हॉस्टल भी चलिए दिखा देते हैं इसको कि कैसा है हॉस्टल। और हम लोग हॉस्टल की ओर जाके आते हैं, चलो हॉस्टल देख लो ना कैसा है। इसको यहीं पर छोड़ना है, यहीं पर रखेंगे। इसका बड़ा भाई भी यहीं पर है तो साथ में ये दोनों रहेंगे। पर देख सकते हैं ये हम लोग का चर्च है, आरसी चर्च, संत फ्रांसिस आरसी चर्च देख सकते हैं। इधर पूरा आम का बगान है, इधर फादर हॉस्टल दिखाते हैं, अभी लोग का हॉस्टल वहाँ पर कैसे रहता है, बाहर से दिखाएंगे, अंदर तो अभी कोई बच्चा नहीं है इसलिए नहीं दिखा पाएंगे। तो इधर आप लोग तो दिखा देंगे, इधर पूरा आम का बगीचा है, ये फादर लोग यहीं पर रहते हैं, योर फादर। पांडिक मशीन तो अच्छा चिन्ह को मतलब क्या जिस मर आई मजे घर वीडियो कॉलिंग बैठे ना हॉस्टल नहीं होकर निकलते ने। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर हॉस्टल है, बच्चा लोग का भी कोई बच्चा सब नहीं है देख सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग मैक्स को छोड़ेंगे, इसका नाम इलियस है, नामकरण वाला जो नाम है, और बपतिस्मा नाम हम लोग इसको रखेंगे मैक्स। तो देख लिया आप लोग हॉस्टल, चलिए आप लोग इधर दिखाते हैं फिर, इधर कपड़ा सब सुखाने के लिए, और बच्चे सब कपड़ा सब सुखाया है, इधर भी बच्चे रहते हैं, स्टडी रूम है इधर, इधर स्टडी करते हैं, और इधर जितना भी है देख सकते हैं जूता सब, हॉकी सब जो बच्चे खेलते हैं शाम और सुबह के टाइम पे। तो ठीक है दोस्तों, अब छोटा स्कूल आप लोग को दिखाएंगे जहाँ ये मैक्स पढ़ेगा, मैक्स का और एडमिशन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग को स्लिप मिला है और एडमिशन हो चुका है। अब इसको कल से हॉस्टल में छोड़ना पड़ेगा, इसको मतलब कल लेके लाएंगे और हॉस्टल में एडमिशन करा देंगे इधर भी, और यहीं पर रहेगा अपने बड़ा भाई के साथ एलेक्स के साथ। तो दोस्तों हम लोग फाइनली छोटा स्कूल पहुंच गए जहां मैक्स पढ़ेगा, यहां पर मैक्स पढ़ेगा, पहला क्लास में इसका एडमिशन लिया है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं यहां पर बरगद पेड़, ये बड़ा सा दिख रहा होगा, इस बरगद पेड़ के नीचे बिरसा भगवान ने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था बहुत पहले, इसी मैं नहीं जान रहा हूँ लेकिन हमारे जो बुजुर्ग है ये लोग बोलते हैं कि बिरसा भगवान यहाँ पर भी शिक्षा मतलब ग्रहण किया था, मतलब प्राप्ति यहाँ पर पढ़ाई किया था इस बरगद पेड़ के नीचे। तो आप लोग देख सकते हैं स्कूल इधर है स्कूल, और मैडम लोग से हम मिलेंगे लेकिन वही वीडियो तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि उन लोग से बात भी करना है, तो इसलिए नहीं मिली मतलब वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो ये छोटा स्कूल, और मैं भी यहीं पर पढ़ाई किया हूँ अपना जो पहला एजुकेशन तो नहीं कहेंगे सेकंड एजुकेशन मैं यहीं से हासिल किया हूँ, पहला एजुकेशन मैं गांव के स्कूल से हासिल किया, फिर सेकंड एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट किया है, और यहीं से मैं बोर्ड भी लिखा। अभी आप लोग जो बिल्डिंग पहले आप लोग को दिखाए वही बिल्डिंग,